उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में ध्वस्त किए जाने के विरोध में गुरुवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के महानगर अध्यक्ष हाजी तहोर हुसैन के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। 7 सूत्रीय मांग को लेकर आयोजित गोरखपुर इकाई और महानगर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 1 दिवसीय धरने में हरेंद्र कुमार शाह, नूरुद्दीन अशरफ अली, मोहम्मद आजम, अनूप कुमार उपाध्याय, रिजवान अजीम, अरशद हुसैन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के महानगर अध्यक्ष हाजी तहोर हुसैन ने कहा, तहव्वर हुसैन प्रगतिशील महानगर समाजवादी पार्टी लोहिया अध्यक्ष। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जो स्थगन आदेश होने के बावजूद शहीद कर दी गई, इस दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, इसलिए 6 दिसंबर को समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पूरे प्रदेश में कलंक दिवस मना रही है और कलंक दिवस के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देती है और इस ज्ञापन में मांग करती है कि जो बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने स्थगन आदेश के बावजूद शहीद किया था, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था, ऐसे लोगों के खिलाफ आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उन लोगों को सजा मिली है। हम लोग ये चाहते हैं इस धरने के माध्यम से, ये देश संविधान से चलता है और संविधान अगर नहीं रहेगा तो फिर मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। संविधान आस्था से नहीं चलता है, संविधान का जो हमको अधिकार प्राप्त है हम उस संविधान के तहत अपने आप को देश के हवाले करते हैं और उस देश के ऊपर संविधान के तहत जो भी निर्देश मिलता है उस पर चलने का पैगाम देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था उन्हें सजा दिया जाए और माननीय उच्च न्यायालय का जो आज भी आदेश है यथास्थिति बरकरार रखने का, वहाँ जो भी यथास्थिति है उसको बरकरार रखी जाए और बाबरी मस्जिद के स्थान पर जब तक न्यायालय से कोई फैसला ना हो जाए तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य ना किया जाए, यही आज हम लोग संदेश देना चाहते हैं। और संविधान को बचाने का ये सबसे बड़ा ये पैगाम होगा अगर संविधान पर अमल होगा तो।